और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से आ रही है। तेज रफ्तार अग्नितीर कार नाले में गिर गई है, 6 लोगों की मौत हो गई है, बच्चे घायल हैं 2। पुलिस ने रेस्क्यू कर 2 बच्चों को अस्पताल पहुंचाया है। इटावा से तिलक समारोह में शामिल होकर आ रहे थे कार सवार, रात का हादसा बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे थे SP सिकंदरा थाने के जगन्नाथपुर के पास की पूरी घटना है। 2 बच्चों को निकाला गया है रेस्क्यू करके, 6 लोगों की मौत की खबर है। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नाले में गिर गई है, कानपुर देहात का मामला। बड़ी खबर आपको बताएं, हादसा हुआ है देर रात कानपुर देहात से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नाले में गिर गई, 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 2 बच्चे इसमें घायल है। पुलिस ने रेस्क्यू कर 2 बच्चों को निकाला है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तिलक समारोह से वापस आ रहे थे तभी यह हादसा हुआ है, देर रात का मामला बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, सिकंदरा थाना के जगन्नाथपुरी की घटना है। आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आलोक, क्या जानकारी मिल रही है हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से ये भयावह हादसा हुआ है इससे पूरे जिले में भगदड़ मचा हुआ है। और आपको बता दें ये लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, देर रात ये घटना घटी है। जो एक डिजायर कार थी वो अनियंत्रित होकर एक तालाब में जा गिरी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें जिसमें 2 बच्चे घायल भी हैं। 6 लोगों, जब वहां पर पूरी मामले की जानकारी पुलिस को मिली है तो SP सहित पूरा दलबल के साथ वहां पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू किया गया है, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें अस्पताल में सभी को भेजा गया है। लेकिन उसके बाद से तमाम जो अधिकारी वहां पर पहुंचे उसके बाद भी 6 लोगों की मौत हुई है और इसमें अभी तक 2 बच्चे जो है उनका इलाज चल रहा है। जी जी आलोक, क्या कितने लोग सवार थे कार में? जी आपको बताते हैं ड्राइवर सहित इसमें 8 से 9 लोग बताए जा रहे हैं, अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। और इटावा से आपको बताते हैं ये तिलक समारोह से लौट कर आ रहे थे, कानपुर देहात के डेरापुर के और मुर्रा गांव के रहने वाले थे, जो पूरे जो यात्री थे वहां से थे और यहां पर इटावा में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहीं से देर रात लगभग 2 से 3 बजे का हादसा है, वहां से लौट कर आ रहे थे, देर रात की घटना है ये। और घटना की जांच भी बारीकी से की जा रही है, किस तरीके से यह हादसा हुआ है और तालाब जो वहां पर था एक वहां पर उसमें गिरी है और काफी देर से लोगों को पता चल पाया, क्योंकि देर रात की घटना थी तो देर से पता चल पाया। जब तक वहां पर बचाव कार्य शुरू होता था तब तक 6 लोगों की जान चली गई थी। आलोक, आप बता रहे हैं अभी संख्या कितनी थी ये बहुत साफ नहीं हो पाया है, तो क्या पूरा रेस्क्यू कर लिया गया है? जी रेस्क्यू तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी फिर भी क्योंकि तालाब थोड़ा बड़ा है, लेकिन रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी संदिग्ध है कि अगर हो सकता है कि कोई और तो नहीं है। फिलहाल अभी भी वहां पे ये चल रहा है क्योंकि परिजनों को सूचना दी गई है। फिलहाल अभी इस तरीके से कोई जानकारी नहीं आई है कि अभी कोई और हो सकता है। 6 लोग मौत हुई है और 2 लोग बच्चे, मतलब कुल मिला के 8 लोग ही अभी तक निकल के आया है कि गाड़ी में सवार थे। बिल्कुल, और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? 2 बच्चे हैं, आपको बता दें जो बच्चे हैं उनको ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, मामूली घायल हैं, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन जो 6 लोग हैं वो मर चुके हैं। बिल्कुल आलोक, कुछ जानकारी और लग पाई है, परिजनों को कैसे सूचना दी गई है? जी पुलिस ने जब वहां पर गाड़ी की तलाशी ली है उसमें कुछ कागजात मिले हैं, उसके सहारे जो पुलिस है उसने वहां पर सूचना दी है। क्योंकि ठीक है, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बताएं 2 बच्चे घायल हो गए थे, हालांकि उनकी हालत ठीक है, 6 लोगों की मौत हो गई। चलिए आगे।